आज हम पढ़ेंगे कि मार्केट फेल्योर क्या होता है और मार्केट फेल्योर को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कौन कौन से रेमेडियल मेजर्स अपनाती है। मार्केट फेल्योर का मतलब है जबकि मार्केट जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को एफिशिएंटली प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है या रिसोर्सेज को एलोकेट करने में फेल हो जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि गुड्स जो है वो दो तरह की होती है, प्राइवेट गुड्स होती है और सोशल गुड्स होती है। प्राइवेट गुड जनरली मार्केट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ये पूरा का पूरा मार्केट जो है आपने लास्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन सोशल गुड्स के बारे में ये होता है जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हमको नहीं होता तो मार्केट उनको प्रोवाइड करने में सोशली डिजायरेबल लेवल पर फेल हो जाता है। क्योंकि वो फेल हो जाता है इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है और सोशल गुड्स को प्रोवाइड करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया था कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थे एडम स्मिथ और रिकार्डो, वो गवर्नमेंट के मार्केट में इंटरफेरेंस के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि गवर्नमेंट को मार्केट में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करना चाहिए और वो लेजेस फेयर पॉलिसी के समर्थक थे। और उनका ये मानना था कि मार्केट में एक इनविजिबल हैंड काम करता है जो कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के थ्रू जो है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, और अगर ये इक्विलिब्रियम टूट जाता है तो ये इनविजिबल हैंड ही दोबारा मार्केट में इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करता है। आपने जेबी से की थ्योरी भी पढ़ी होगी लास्ट ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर में। जेबी से की जो थ्योरी है वो कंप्लीट मार्केट थ्योरी है, और कंप्लीट मार्केट थ्योरी ये कहती है कि मार्केट कभी फेल हो ही नहीं सकता। जेबी से ने दो बहुत फेमस स्टेटमेंट दिए थे, और उनके जो दो बहुत फेमस स्टेटमेंट थे उसमें पहला स्टेटमेंट था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई, व्हाट इज सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि जैसे ही किसी वस्तु का निर्माण होता है या जैसे ही किसी वस्तु का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो उसके बराबर जो है वो डिमांड मार्केट में अपने आप क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हम फैक्टर्स और प्रोडक्शन को जो है वो प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर्स और प्रोडक्शन को उसके बराबर मजदूरी प्रोवाइड करते हैं। जब हम मजदूरी प्रोवाइड करते हैं तो वो अपने आप से क्रिएट हो जाता है और उसके लिए डिमांड अपने आप से क्रिएट हो जाती है। इसलिए उनका ये भी मानना था कि मार्केट में ना तो कभी ओवर प्रोडक्शन हो सकता है और ना ही कभी अंडर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। ओवर प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि मार्केट में ओवर प्रोडक्शन इसलिए नहीं हो सकता, उनका यह कहना था कि मान लीजिए किसी वजह से अगर मार्केट में ये ओवर प्रोडक्शन होता है, अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो नेचुरली है कि जो उत्पादकों का माल है वो बिना बिना बिका हुआ रह जाएगा। अगर वो बिना बिका हुआ रह जाएगा तो डेफिनेटली अगले साल या तो वो कम माल प्रोड्यूस करेंगे या माल प्रोड्यूस नहीं करेंगे जब तक कि उनका माल बिक नहीं जाता। तो अगर ओवर प्रोडक्शन है तो अगले साल अंडर प्रोडक्शन होगा और मार्केट बैलेंस में आ जाएगा, और अगर अंडर प्रोडक्शन हो गया है तो ऐसे केस में उन वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो आपको मालूम ही है कि डिमांड बढ़ने के साथ साथ फिर इसके प्राइस अप होंगे। प्राइस अप होंगे तो डेफिनेट सी बात है कि अगर उसके प्राइस अप होते हैं तो अगले साल चूंकि उत्पादकों को ज्यादा लाभ होगा तो वो इसका ज्यादा उत्पादन करेंगे और मार्केट फिर से डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस की वजह से जो है वो बैलेंस में आ जाएगा। इसी तरह पीगू का ये मानना था कि पीगू ये मानते थे कि किसी भी तरह से मार्केट के अंदर जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो सकता, बशर्ते कि गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप ना करे। उनका यह कहना था कि किसी वजह से अगर मार्केट में अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है या सभी व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता है, अगर सभी व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता है तो क्या होगा कि मार्केट में वेज रेट जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा, और वेज रेट उस समय तक गिरता चला जाएगा जब तक कि मार्केट जो है वापस अपने पुराने वाले लेवल के ऊपर नहीं आ जाता। तो इस तरह क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये कहते थे कि अर्थव्यवस्था में ना तो कभी ओवर प्रोडक्शन हो सकता है और ना ही कभी अंडर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। अगर किसी वजह से मार्केट में कोई डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट भी होता है तो वो अपने आप ही मार्केट फोर्सेस के थ्रू जो है वो ठीक कर दिया जाता है और ये अपने आप ठीक हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि ये मार्केट थ्योरी जो है वो 1930s में फेल हो गई। मैंने आपको डिप्रेशन के बारे में पढ़ाया था कि ह्यूज डिप्रेशन आया 1930 में, और ये एक के बाद एक कंट्री को जो है वो अपनी चपेट में लेता चला गया, और ऐसे केस में किसी की ये समझ में नहीं आ रहा था कि करा क्या जाए। और
उसके बाद ये डिप्रेशन जो है एक कंट्री के बाद दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री के बाद तीसरे कंट्री उनमें फैलता है। इसी को हम डिप्रेशन ऑफ 1930s के नाम से भी जानते हैं। और जो है इस समय क्लासिकल थ्योरी जो थी नो मार्केट इंटरवेंशन और लेजर्सफियर की थ्योरी वो पूरी तरह फेल हो गई। ऐसे समय में कीस जो है 1936 में यानी कि 6 सालों के बाद इस थ्योरी का सोल्यूशन लेकर के आए जिसे कि मार्केट इंटरवेंशन थ्योरी कहा जाता है, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि मार्केट अपने आप ठीक नहीं हो सकता, अगर इसमें एक बार इनकरेक्शन आ जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो गवर्नमेंट को इसका डॉक्टर बन के आना होगा और इसको जो है वो करेक्ट करना होगा। तो कीस के आने के बाद ये थ्योरी बिल्कुल चेंज हो गई और ऐसा माना जाने लगा कि ये जो है मार्केट इस तरीके से ठीक नहीं हो सकता है। अब आता है कि आखिर वो कौन से रीजन है जिनकी वजह से मार्केट फेल हो जाता है। तो मार्केट फेल होने के स्टूडेंट्स बहुत सारे रीजन है। इसमें जो सबसे पहला रीजन आता है वो आता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है? देखिए इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब है कि जो है कि मार्केट में आपको मालूम है कि कंपटीशन दो तरीके का होता है। आपने लास्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी मार्केट की यह यूनिट पढ़ी है। पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। आपने ये भी पढ़ा है कि परफेक्ट कंपटीशन लगभग लगभग जो है हमारी लाइफ में नहीं पाया जाता। लगभग 5% ऐसी गुड्स हैं जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंतर्गत आती है, लेकिन 95% गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंतर्गत आती है। इम्परफेक्ट मार्केट में आपने कई तरह के मार्केट पढ़े हैं जैसे कि मोनोपोली, ड्यूओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और 95 तरह के गुड्स एंड सर्विसेज हमारी लगभग लगभग इसी तरह के मार्केट में आती हैं। इन सब में आपको जानते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो होता है जिसमें कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हर कंपनी ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसका प्रोडक्ट हमेशा दूसरे से ज्यादा अच्छा है और वो अच्छा प्रोडक्ट बेच रही है। मोनोपोली, मोनोपोली ही वो रीजन है जिसकी वजह से जो है वो मार्केट सबसे ज्यादा फेल होता है। आप जानते हैं लास्ट ईयर आपने मोनोपोली पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि मोनोपोली वो सिचुएशन होती है जिसमें कि मार्केट में केवल एक अकेला उत्पादक होता है। जब वो अकेला उत्पादक होता है तो उसका आउटपुट के ऊपर या प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल होता है। चूंकि उसका प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल होता है तो वो जानबूझकर वस्तुओं की क्वांटिटी को कम प्रोड्यूस करता है और उसकी प्राइस को ज्यादा रखता है। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि AR इज इक्वल टू MR बराबर P, यानी कि वस्तुओं का प्राइस दिया हुआ होता है और हर फर्म जो होती है वो प्राइस फर्म उस रेट के ऊपर अपनी वस्तुएं बेच सकती है, मार्केट से बाहर आ सकती है, अंदर जा सकती है। अर्थव्यवस्था में ऐसी चीजें बहुत कम होती हैं जैसे कि चीनी हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। मार्केट रेट दिया हुआ है और आपको उस पर चीज बेचनी है, लेकिन मैक्सिमम वस्तुएं जो है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इन सारे मार्केट्स में आती हैं। मोनोपोली में मैंने अभी आपको बताया चूंकि उत्पादक का एम ही है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, अब वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहता है तो नेचुरली आउटपुट को कंट्रोल करता है। आउटपुट को कंट्रोल करते हुए वो मार्केट में उतना प्रोडक्शन लेकर नहीं आता जितना कि प्रोडक्शन उसको चाहिए या आना चाहिए। वो जानबूझकर कम प्रोडक्शन लाता है, आर्टिफिशियली डिमांड को ऊपर रखता है और उसकी प्राइस बढ़ा करके एबनॉर्मल प्रॉफिट को गेन करता है। चूंकि वो एबनॉर्मल प्रॉफिट को गेन करता है इसलिए मार्केट जो है वो फेल हो जाता है। इसी तरह ड्यूओपोली में आपको पता है कि दो उत्पादक होते हैं और वो सारा का सारा आउटपुट कंट्रोल कर लेते हैं। ओलिगोपोली में हालांकि कुछ प्रोड्यूसर होते हैं और इनमें शुरुआत में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद आकर के जब ये कार्टेल बना लेते हैं तो ये भी मोनोपोली की तरह बिहेवियर करने शुरू कर देते हैं। तो मोनोपोली की वजह से प्रोड्यूसर जो है वो जानकर लेस प्रोडक्शन करता है और जिसकी वजह से जो है वो मार्केट को फेल कर देता है या मार्केट जो है वस्तुओं को जो है सफिशिएंटली जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो ये सेकेंडरी, ये फर्स्ट रीजन है कि मार्केट जो है वो की वजह से मार्केट फेल होता है, वो है आपका पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स के बारे में मैं पिछले चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। जब मैंने उसके करेक्टरिस्टिक आपको पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि पब्लिक गुड्स वो होती हैं जिनका की जो प्रोडक्शन है वो जॉइंट होता है और वो प्रोडक्शन जो है वो इक्वल होता है। क्योंकि इनका प्रोडक्शन जॉइंट होता है, कंजम्पशन जॉइंट होता है और इक्वल होता है, इसलिए मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो है वो इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट होना चाहिए। ये एक आइडियल सिचुएशन है।
इसके अलावा इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी हम एक एक्स्ट्रा कंज्यूमर को कोई भी गुड या सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो पब्लिक गुड में हमेशा मार्जिनल कॉस्ट जीरो होती है, लेकिन अक्सर हम इसको वायलेट करते हैं, अक्सर हम इस रूल को वायलेट करते हैं जब भी हम पब्लिक गुड प्रोवाइड करते हैं। सपोज कीजिए एक ऐसी रोड जिस पर कि टोल प्लाजा बना हुआ है या टोल रोड है और उस पर गुजरने वाले हर आदमी को जो है वो टोल पे करना पड़ता है, तो कायदे में तो अगर 1,000 आदमी उसको क्रॉस कर रहे हैं और उसकी वजह से उसका पूरा मार्जिनल कॉस्ट निकल रहा है, तो एक्स्ट्रा कंज्यूमर को जब हम वो टोल रोड को क्रॉस करेगा तो उससे जीरो चार्ज लिया जाना चाहिए और उससे हमें कोई भी चार्ज नहीं लेना चाहिए। पर प्रैक्टिकली ये नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है कि हम हर हर गाड़ी वाले से या हर व्हीकल जो भी उस रोड से गुजरता है उससे हम टोल वसूल करते हैं, तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमेशा इसकी मोर देन जीरो होती है। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट मोर देन जीरो होगी तो अगेन ये वाली जो आइडियल सिचुएशन है कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल सोशल कॉस्ट से के इक्वल होना चाहिए, ये प्रिंसिपल जो है वो वायलेट हो जाता है। इसके अलावा जो है आपको मालूम है कि जो पब्लिक गुड्स होती हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, यानी कि आप किसी आदमी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, हर आदमी को वो चीजें इक्वली प्रोवाइड की जाती है और किसी को भी उससे एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता और ये नॉन रिवेलरस होती है। लेकिन कुछ केसेस में हम इस रूल को भी वायलेट करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि आपने किसी रोड के ऊपर टॉल लगा दिया, तो टॉल लगा दिया तो आपने लोगों को एक्सक्लूड कर दिया। जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल वे है उस पर वही आदमी गुजर सकता है जो कि टोल देगा, अगर वो टोल नहीं देगा तो वो आदमी उसके ऊपर से नहीं गुजर सकता। तो इसका मतलब है कि यहाँ हमने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया जो प्राइवेट गुड्स पे अप्लाई होता है, पर चूंकि ये पब्लिक गुड है तो हमें एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो चूंकि हम इसके ऊपर पब्लिक गुड के रूल को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, है ये पब्लिक गुड, इसलिए मार्केट फेल हो जाता है। इसी तरह आपका डीएनडी फ्लाईओवर हो गया या जितनी भी टोल रोड्स बनी हुई हैं, चूंकि व्यक्ति टोल नहीं पे कर पा रहा है तो वो लॉन्ग रूट लेकर के जाएगा या कोई अदर रूट लेकर के जाएगा, तो यहाँ पर पब्लिक गुड्स का रूल जो है वायलेट हो जाता है, जिसकी वजह से भी जो है वो मार्केट फेल हो जाता है। अब आता है कि अगर जिन केसेस में एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है वहां पर क्या होता है। अगर मान लीजिए कि एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल आपका अप्लाई नहीं होगा तो वहां पर एक और नई समस्या खड़ी होती है, एंड दैट इज फ्री राइडर्स प्रॉब्लम। व्हाट इज दिस फ्री राइडर प्रॉब्लम? देखिए ये एक फ्री राइडर की प्रॉब्लम क्या होती है। सपोज कीजिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि किसी भी कॉलोनी में एक ये पार्क है, इस पार्क को मिलकर के 10 लोग मेंटेन करते हैं और लेकिन इसके अराउंड 50 फैमिलीज हैं जो इस पार्क का फायदा उठाती हैं। तो ऐसे में 10 लोगों ने केवल मेंटेनेंस दिया और 50 लोगों ने इसका फायदा उठाया, इसका मतलब ये है कि 40 लोग जो हो गए वो इसमें फ्री राइडर हो गए। इसी तरह मान लीजिए आपके घर के बाहर कोई रोड जा रही है या आपकी कॉलोनी में कोई रोड है या और वो रोड बहुत खराब हो गई है, गवर्नमेंट उसको ठीक नहीं करा रही और 20 लोग आते हैं, ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई हम लोग इसमें 2,000 रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे और इस रोड को ठीक कराएंगे। वो कुछ पैसा मांगने जाते हैं लेकिन 3 लोग इसमें ये कह देते हैं कि हम तो नहीं देंगे, हम तो इस रोड का यूज नहीं करते या हम तो बहुत कम यूज करते हैं या आप मत करवाओ, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, रोड को रिपेयर मत करवाओ। तो ऐसे केस में अगर ये रोड रिपेयर होती है तो पैसा तो 20 लोगों ने दिया लेकिन बाकी लोग जिन्होंने पैसा नहीं भी दिया, चूंकि ये पब्लिक गुड है वो भी इसका यूज करेंगे, तो ये बाकी सारे ये 3 लोग जो हैं या पब्लिक लोग हैं ये सारे के सारे जो है ये फ्री राइडर कहलाएंगे। देखिए ये डायग्राम मैंने बनाया है आपके लिए, इसमें देखिए 2 इंडिविजुअल हैं। 2 इंडिविजुअल कौन से हैं? वन इज दिस ए एंड वन इज दिस बी। 2 गुड्स है, एक एक्स गुड है और एक आपकी ये वाई गुड है। दोनों एक्सेस के ऊपर ये जो है, ये जो है ये डिमांड कर्व है जो इंडिविजुअल ए है, या आप इनका नाम भी ले सकते हैं। मान लीजिए अमित है, अमित का डिमांड कर्व है। बी भी जो है वो सुमित है और सुमित का डिमांड कर्व है, या सेकेंड इंडिविजुअल का डिमांड कर्व है। अगर हम इनका क्यूमुलेटिव डिमांड कर्व लें तो ये इनका क्यूमुलेटिव डिमांड कर्व है, यानी कि ये जो डिमांड करते हैं। अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स यानी कि एमसी कर्व जो है वो इसे काटती है ई पॉइंट के ऊपर टोटल डिमांड को, और हमारा इक्विलिब्रियम होता है ई पॉइंट के ऊपर यानी कि यहाँ के ऊपर। अब यहाँ पर होता है तो देखिए क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी ओक्यू के बराबर और इस वस्तु का प्राइस रखा जाएगा ओपी के बराबर। चूंकि ओक्यू के बराबर क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है और ओपी इसका प्राइस है,
लेकिन हम चार्ज क्या कर रहे हैं, कायदे में हमें हर आदमी से ओपी प्राइस चार्ज करना चाहिए, लेकिन हम पहले वाले जो इंडिविजुअल है यानी कि हमारा जो अमित है इससे हम P2 का प्राइस चार्ज कर रहे हैं और दूसरा वाला जो है सुमित उससे हम P1 का प्राइस चार्ज कर रहे हैं, यानी कि इतना प्राइस चार्ज करना चाहिए लेकिन हम दोनों से जो है वो कम प्राइस चार्ज कर रहे हैं और दूसरा प्राइस भी अलग अलग चार्ज कर रहे हैं, ये दोनों ही पब्लिक गुड का यूज कर रहे हैं लेकिन दोनों ही अलग अलग प्राइस को पे कर रहे हैं, जबकि पब्लिक गुड का सिंपल ये रूल है कि आपको हर व्यक्ति से एक ही तरीके का चार्ज वसूल करना है। तो अगर 10 रुपए ये देता है तो इसे भी 10 रुपए देने चाहिए, पर हो क्या रहा है हम इससे 10 रुपए चार्ज कर रहे हैं, इससे 15 या 20 रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जो हमारा प्रिंसिपल है कि सभी से एक प्राइस चार्ज करना चाहिए और हम ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को जो है फॉलो कर रहे हैं, यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को हम कहाँ पर फॉलो करते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को जो है हम फॉलो करते हैं अपनी मोनोपोली के अंदर, मोनोपोली के अंदर फॉलो करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को। इसलिए जो है यहाँ पर देखिए ये रूल जो है ये आपका वायलेट कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए इसलिए यहाँ पर मार्केट फेल हो जाएगा क्योंकि पब्लिक गुड्स के हर रूल को हम वायलेट कर रहे हैं। और पब्लिक गुड्स का जो रूल ये कहता है कि प्राइस हर एक व्यक्ति से हमें इक्वल चार्ज करना चाहिए, तो ना तो हम इक्वल चार्ज कर रहे हैं ना ही हम ऑप्टिमल प्राइस चार्ज कर रहे हैं। ऑप्टिमल प्राइस हमारा क्या है, ओपी, और हम इन दोनों से उससे कम प्राइस ले रहे हैं प्लस दोनों से हम अलग अलग प्राइस ले रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आप देखें एजुकेशन, आप लोग हायर एजुकेशन लेते हो, हायर एजुकेशन में कायदे में हमारे कॉलेज में आप सबकी फीस बराबर होनी चाहिए और हर बच्चे को इक्वल फीस देनी चाहिए, पर आपने फीस देते टाइम ये नोट किया होगा कि SC के बच्चों को कम फीस देनी पड़ती है, ST के बच्चों को कम फीस देनी पड़ती है, जनरल के बच्चों की फीस ज्यादा है, लड़कियों की फीस कम है, लड़कों की फीस ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि एक ही पब्लिक गुड में हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। जब हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो इसका सीधा रिजल्ट ये होगा कि आपका मार्केट जो है वो फेल हो जाएगा। तो दूसरा रीजन जिसकी वजह से मार्केट फेल होता है वो होता है हमारा पब्लिक गुड्स, या पब्लिक गुड्स में जब हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो ये हमारा सेकेंड रीजन था जिसकी वजह से हमारा थर्ड रीजन जो आता है वो आता है हमारा एक्सटर्नलिटीज का, कि एक्सटर्नलिटीज जो है वो किस तरीके से फेल होती हैं या एक्सटर्नलिटीज की वजह से जो है किस तरीके से मार्केट फेल हो जाता है। देखिए एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं, सबसे पहले ये समझिए एक्सटर्नलिटीज को हिंदी में कहते हैं हम बाह्यताएं। बाह्यताओं का क्या मतलब होता है, बाह्यताओं का मतलब होता है जिसमें कि फर्स्ट पार्टी जो उस चीज का फायदा उठा रही है, सेकेंड पार्टी जो उस चीज को प्रोड्यूस कर रही है, इन दोनों का कोई रोल नहीं होता बल्कि थर्ड पार्टी उससे इफेक्ट होती है, थर्ड पार्टी इफेक्ट होती है। और एक्सटर्नलिटीज को कहते हैं कि ये वो मार्केट इनफेक्ट मार्केट इम्परफेक्शंस है कि मार्केट जो है वो फेल हो जाती है कोई भी प्राइस को ऑफर करने में और वो उस प्राइस को ऑफर नहीं कर पाती जो उसे ऑफर करना चाहिए। जींस रंगाई की फैक्ट्री है और उससे बहुत ज्यादा वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है और वेस्ट वाटर वो सीधा का सीधा नदी में डाल देती है और नदी में डालने के बाद जो है उससे नदी जो है वो प्रदूषित हो जाती है। ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट उसको फोर्स करती है कि उसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कॉस्ट अगर वो प्रोडक्शन में इंक्लूड करती है तो ये मार्केट एक्सटर्नलिटीज के अंदर आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसी तरह वो एयर पोल्यूशन कर रही है और एयर पोल्यूशन का कोई चार्ज हम प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं कर सकते और उससे जो है बाकी लोगों की हेल्थ इफेक्ट हो रही है तो ये कर लाएगा एक्सटर्नलिटीज। प्रोफेसर हेबर्लर ने ये बोला था कि एक्सटर्नलिटीज जो है वो दो तरीके की होती है, पहली होती है मार्केट एक्सटर्नलिटीज और दूसरी होती है नॉन मार्केट एक्सटर्नलिटीज। मार्केट एक्सटर्नलिटीज जैसे हम बाजार अपूर्णताएं भी कहते हैं, मार्केट एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, मार्केट एक्सटर्नलिटीज वो चीजें हैं जिन्हें की हम जो है वो प्राइस के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं या प्राइस के अंदर एक्सप्रेस करने के बाद उन्हें प्राइस में एक्सप्रेस किया जा सकता है। नॉन मार्केट एक्सटर्नलिटीज वो होती हैं जिन्हें की गुड्स को प्रोड्यूस करते टाइम या बेचते टाइम उसके प्राइस में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी, मान लीजिए कि आपके एरिया में कोई जींस रंगाई की फैक्ट्री लगी या कोई पेंट की फैक्ट्री लगी और पेंट की फैक्ट्री से बहुत ज्यादा पेंट से पानी प्रोड्यूस होता है, जहरीला पानी प्रोड्यूस होता है और इसे हम हर नदी में मिला देते हैं या हिंडन में मिला देते हैं जिसकी वजह से हिंडन जो है वो हमारी पोल्यूट हो जाती है। अगर हिंडन पोल्यूट हो जाती है और
जो है गवर्नमेंट इसके लिए उसको बोलती है कि हर फैक्ट्री को नदी पोल्यूट ना हो इसलिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा, और वाटर को ट्रीट करने के बाद ही जो है पानी को नदी में छोड़ना होगा। तो ऐसे केस में इसका जो कॉस्ट है, मान लीजिए कि ये प्लांट लगाती है 5 लाख रुपए का और इसको हर साल रनिंग करने की कॉस्ट आती है 50,000 रुपए महीना, तो ये 50,000 रुपए महीना इसकी जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो है ये कहलाएगा आपका मार्केट एक्सटर्निटी, जिससे कि हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि ये इंक्लूड हो जाता है। दूसरा आपका आता है नॉन मार्केट एक्सटर्निटीज। नॉन मार्केट एक्सटर्निटीज क्या होती है, जिन्हें कि आप प्राइसेस के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज यही फैक्ट्री जो है नॉइस पोल्यूशन करती है, या यही फैक्ट्री जो है वो आपका एयर पोल्यूशन करती है और धुआं छोड़ती है। अब इसने कितनी एयर पोल्यूट की, उसकी वजह से जो है आसपास में जितने लोग रह रहे थे उनकी हेल्थ को कितना नुकसान हुआ, इसका एस्टिमेशन करना बहुत मुश्किल है। चूंकि इसका एस्टिमेशन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो है हम क्या करेंगे कि इसको हम प्राइस के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। ये प्राइस के अंदर इंक्लूड नहीं हो पाता, तो इसे कहते हैं हम नॉन मार्केट एक्सटर्निटीज। तो मार्केट और नॉन मार्केट एक्सटर्निटीज में क्या फर्क है, मार्केट एक्सटर्निटीज वो है जिनके जिनको कि हम प्राइस में इंक्लूड कर सकते हैं, नॉन मार्केट एक्सटर्निटीज वो है जिनको कि आप प्राइस के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये मार्केट और नॉन मार्केट एक्सटर्निटीज होती है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि एक्सटर्निटीज के इफेक्ट क्या होते हैं। देखिए एक्सटर्निटीज के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है फेवरेबल जिन्हें हम पॉजिटिव इफेक्ट भी कहते हैं, एक होता है अनफेवरेबल जिन्हें हम नेगेटिव इफेक्ट भी कहते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट भी दो टाइम होते हैं, एक जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और एक जब हम गुड्स को कंज्यूम करते हैं। एक क्या होता है, सपोज कीजिए किसी पिछड़े इलाके में कोई फैक्ट्री लग जाती है, मान लीजिए वहां के कुछ लोगों की जॉब डायरेक्टली उस फैक्ट्री में लग जाती है, या वहां पर जो है विलेज के लोगों की आमदन उससे बढ़ जाती है क्योंकि जो लोग उसकी वजह से उस गांव में आकर के बसते हैं वो लोग उन लोगों की सब्जियां परचेज करते हैं, फ्रूट्स परचेज करते हैं, या फिर जो है वो चाय की दुकान लगा लेते हैं, उनकी दुकान पर आकर चाय पीते हैं, जिसकी वजह से उस विलेज के लोगों की इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर उनके लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो इसे कहेंगे पॉजिटिव इफेक्ट इस फैक्ट्री का। मान लीजिए यही फैक्ट्री जो है वाटर प्रोड्यूस करती है जो कि गंदा वाटर है और इसको सीधा नदी में मिला देती है या तालाब में वहां के मिला देती है, या इस फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है और उसकी वजह से वहां के लोगों की तबियत खराब होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे केस में जो हेल्थ के ऊपर इम्पेक्ट पड़ा और जो नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ा ये कहलाएगा कि इसका एक्सटर्निटी का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर क्या हुआ। इसको आप कॉस्ट के अंदर नहीं मेजर कर सकते कि टोटल इफेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट कितना पड़ा, इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि दादरी में एनटीपीसी का जब प्लांट लगा, तो आप जानते हैं कि ये एनटीपीसी का प्लांट जो है कोयले से चलने वाला प्लांट है। कोयले से जब प्लांट चला तो डेफिनेट सी बात है कि एयर पोल्यूशन हुआ, एयर पोल्यूशन के साथ साथ इस कोयले से जो राख बननी शुरू हुई वो राख जो है वहां पर हीट के रूप में इकट्ठी होती चली गई। जब हीट के रूप में वो इकट्ठी होती चली गई तो एक टाइम ऐसा आया कि राख के वहां पहाड़ के पहाड़ इकट्ठे हो गए। हवा के साथ वो राख उड़ती थी, लोगों के खेतों में जाकर बैठ जाती थी, लोगों के घरों में जाती थी, जिससे लोगों को साफ सफाई में दुगनी मेहनत करनी पड़ती थी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ये राख जो है वहां की हवा में घुल गई और लोगों ने जब फेफड़ों से इसमें सांस लेना शुरू किया तो उनके फेफड़े इससे इफेक्ट होने शुरू हो गए। थोड़े सालों के बाद ये बात समझ में आई कि एनटीपीसी के इलाके के बहुत सारे गांव जो है उसमें यूथ जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया, और इम्पोर्टेंट होने की वजह से उसका बहुत नेगेटिव असर इन लोगों की हेल्थ के ऊपर आया। तो किसी एक्सटर्निटी का, यानी कि जो बाहर से फैक्ट्री आकर लगी, इसका नेगेटिव इफेक्ट कितना होगा और इसका पॉजिटिव इफेक्ट कितना होगा, इसको मनी में मेजर करना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह जब आप गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो भी एक्सटर्निटी का इफेक्ट हमें दिखाई देता है। गुड्स कंजम्पशन के टाइम कैसे दिखाई देता है, सपोज कीजिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि आपकी कॉलोनी में या आपके गाँव में कोई अच्छा कॉलेज इस्टेब्लिश हो जाता है, कोई IIT इस्टेब्लिश हो जाता है, या अच्छा हॉस्पिटल बन जाता है, गवर्नमेंट कोई अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल देती है, एम्स खोल देती है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा, बहुत अच्छा इफेक्ट ये पड़ेगा कि
आसपास का इलाका डेवलप हो जाएगा, हो सकता है जिस कॉलोनी में कॉलेज खुला हो वहाँ के बच्चों को बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम प्राइस पर एट अ होम मिल जाएगी, ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। हॉस्पिटल है तो आप जो है आराम से जो है वो हॉस्पिटल होने की वजह से आप आराम से जो है जाकर के वहां पर इलाज ले सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों की जान बच जाएगी जिन लोगों को बहुत दूर पहले इलाज लेने के लिए जाना पड़ता था और सुपर स्पेशलिटी इलाज के लिए जाना पड़ता था। लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा कि थोड़े टाइम के बाद जब वो वहां डेवलप हो जाएगा इलाका, तो वहां पे ट्रैफिक जाम होना शुरू हो जाएगा। ट्रैफिक जाम होना कैसे शुरू हो जाएगा, आपने अपने कॉलेज का हाल देखा है कि किसी टाइम 80 साल पहले जब ये बना तो बिल्कुल जंगल के इलाके में था, लेकिन धीरे 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 वहां पर कॉलोनी बस गई। अब हालात ये है कि जिस दिन कॉलेज में कोई एग्जाम होता है तो वहां पे ट्रैफिक जाम हो जाता है इतनी बुरी तरह कि कॉलोनी के लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कई केसेस में क्या होता है कि लोग जो एग्जाम देने के लिए आते हैं वो ये पता ही नहीं कर पाते कि जो है उन्हें करना क्या है, और वो किसी भी घर के आगे गाड़ी को पार्क कर देते हैं। जब वो गाड़ी को पार्क कर देते हैं तो उसका उल्टा इफेक्ट ये होता है कि जो उस कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, बजाय उसको उस कॉलेज के पॉजिटिव इफेक्ट मिलने के, उन्हें नेगेटिव इफेक्ट मिलने ज्यादा शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अभी सिंपली एक केस हुआ कि गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारा कॉलेज जो है वो कोरोना का क्वारंटीन सेंटर बनेगा और 400 लोगों का क्वारंटीन सेंटर बनेगा। इमीडिएटली पूरी कॉलोनी जो है उसके विरोध में आकर खड़ी हो गई कि अगर ये क्वारंटीन सेंटर बना, क्योंकि ये कॉलोनी के बीच में कॉलेज है, तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इतना पड़ेगा कि पूरी कॉलोनी में कोरोना फैल जाएगा। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है किसी एक्सटर्निटी का, चूंकि वहां पर वो है इसलिए उसका नेगेटिव इफेक्ट उनको मिला। इसी तरह जैसे सिगरेट स्मोकिंग होती है, तो सिगरेट स्मोकिंग वाला जब स्मोक को इमिट करता है तो उस स्मोक में जितने लोग भी सांस लेते हैं उसको वो इफेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो है ये इसका अदर नेगेटिव इफेक्ट है। इसी तरह आपके घर, किसी के घर में मान लीजिए कोई फंक्शन होता है, किसी के घर में कोई जागरण होता है या किसी के घर में शादी होती है, वो देर रात तक जोर जोर का डीजे बजाता है। जोर जोर का जब वो डीजे बजाता है तो क्या होगा कि उससे आपका अगले दिन एग्जाम है तो आपको परेशानी हो रही है, घर में कोई बीमार है वो सो नहीं पा रहा है उसको परेशानी हो रही है। तो ये क्या है, ये एक्सटर्नलिटी के नेगेटिव इफेक्ट है, इसमें आप इन्वॉल्व नहीं है, इसमें वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम हो रही है ये उसका नेगेटिव इम्पेक्ट कहलाता है या उसका जो है नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो एक्सटर्नलिटी हमें दोनों वे में इफेक्ट करती है, पॉजिटिव वे में भी इफेक्ट करती है और नेगेटिव वे में भी इफेक्ट करती है। अब आपको देखना ये है कि इसका आपको पॉजिटिव इफेक्ट रखना है या नेगेटिव इफेक्ट। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करेंगे, अगर इसके प्लस इफेक्ट ज्यादा है तो आपको वो प्रोजेक्ट लेना है, या उसके नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है आपको वो प्रोजेक्ट नहीं लेना है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो ये था कि एक्सटर्नलिटी के जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट या नेगेटिव इम्पेक्ट कितने होते हैं। देखिए ये एक डायग्राम है और ये डायग्राम आपको ये बता रहा है कि एक्सटर्नलिटी के क्या इफेक्ट होते हैं। ये देखिए ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड ली गई है और ओ वाई के ऊपर जो है वो वाई गुड का जो है वो प्राइस लिया गया है। तो आपको मालूम है कि सी पी जो है ये प्राइवेट कॉस्ट को दिखा रहा है, सी एस जो है वो आपका ये जो है ये नेगेटिव आपकी सोशल कॉस्ट को दिखा रहा है। आइडियल इक्विलिब्रियम जो होगा, आइडियल इक्विलिब्रियम जो है वो हमेशा जो है वो ई एस के ऊपर होगा। ई एस का मतलब है जहां पर की सोशल कॉस्ट है, इस वस्तु को बनाने की सोशल कॉस्ट ये है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो रहा है, इसलिए कायदे में ये गुड इतनी प्रोड्यूस होनी चाहिए क्वांटिटी में और इसका प्राइस जो है वो पीएस होना चाहिए। लेकिन अगर ये गुड प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करेगा तो प्राइवेट सेक्टर देखिए वो गुड कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, क्यूपी क्वांटिटी में, ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा है और इसका प्राइस जो है वो कम रख रहा है, पीपी अमाउंट में प्राइस रख रहा है। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव एक्सटर्निटी क्रिएट कर रही है तो जो ये सोशल कॉस्ट क्रिएट कर रही है, यानी इसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है या वाटर पोल्यूशन हो रहा है, उस कॉस्ट को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से इस गुड्स को केवल ट्रूएस्ट क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना चाहिए जिससे कि किसी के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पेक्ट ना पड़े और इसका प्राइस भी हमें उस कॉस्ट को मिलाकर के पीएस रखना चाहिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर चूंकि इस कॉस्ट को इन्वॉल्व नहीं करता इसलिए वो इसका प्राइस ईपी रखता है। तो ये शो करता है कि किस तरीके से एक्सटर्नलिटी जो है अगर वो मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट ना हो तो उसका प्राइस जो है कम हो जाता है
और इस तरीके से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको जीन्स का एग्जाम्पल दिया, जीन्स रंगाई की फैक्ट्री से जितना पोल्यूटेड वाटर निकलता है और वो जाकर के जितना हिंडन रिवर को पोल्यूट करता है, अगर उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना कंपलसरी कर दिया जाए और उसकी रनिंग कॉस्ट को इसके साथ जोड़ दिया जाए जो कि पीपी और पीएस के बराबर है, तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट बढ़ के पीएस हो जाएगी और इसका प्राइस बढ़ के जो है पीएस हो जाएगा। जैसे ही इसका प्राइस बढ़ेगा डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली गिर के क्यूएस हो जाएगी। चूंकि अभी ये फैक्ट्री जो है कोई भी इस कॉस्ट को इन्वॉल्व नहीं कर रही है और पानी को सीधा जो है वो हिंडन के अंदर मिला देती है, तो वो अपनी वस्तु का प्राइस कम रख रही है और इसलिए क्वांटिटी को ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है और इसलिए प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको ये बाध्य कर दे और अगर गवर्नमेंट इसको ये कहे कि आपको जो नेगेटिव इम्पैक्ट आप दे रहे हो या रिवर इसकी वजह से पोल्यूट हो रही है और वो पोल्यूट नहीं होनी चाहिए, तो डेफिनेटली जो है ये आपका डेफिनेटली इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और क्वांटिटी जो है वो इसकी रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से ये डायग्राम हमें ये शो करता है कि एक्सटर्नलिटी की वजह से मार्केट क्यों फेल हो जाता है और एफिशिएंट अमाउंट में वो गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता, और वो या तो कम अमाउंट में गुड को प्रोड्यूस करेगा या ज्यादा अमाउंट में गुड को प्रोड्यूस करेगा, और इस तरीके से वो इनएफिशिएंसी ऑफ मार्केट को शो करेगा।